हेलो माय डियर ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ एटीएम कार्ड का जो सीक्रेट नंबर होता है वो कैसे एटीएम से निकाला जाता है, कैसा जनरेट किया जाता है, मैं अभी सिखाने वाला हूँ आप लोगों को। ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपका बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। आप एटीएम स्वाइप करने के बाद एकदम नीचे साइड में पिन जनरेशन का ऑप्शन में आप क्लिक कीजिएगा। राइट साइड में पिन जनरेशन क्लिक करने के बाद प्लीज़ एंटर योर 11 नंबर जो अकाउंट नंबर होता है, इस अकाउंट नंबर को आप दबा के जो कंफर्म का जो बटन है कंफर्म कीजिएगा। कंफर्म करने के बाद सामने आएगा प्लीज़ एंटर योर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, जो मोबाइल आपका अकाउंट में रजिस्टर है ये नंबर आप इधर डाल के आप कंफर्म में क्लिक कीजिएगा। जब आपका मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद कंफर्म में क्लिक करेगा तब आपका सामने ऐसा ऑप्शन आएगा जिसमें बोला जाएगा कि आपका मोबाइल में ये शर्ट डिलीवरी किया जाएगा। एक मैसेज बाद में दिखाएगा योर पिन इज जनरेशन ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली, आपका मोबाइल में वो जो पिन है वही पिन जनरेट हो जाएगा, डिलीवर किया जाएगा। बाद में आपका डिलीवर होने के बाद इस पिन से आप पैसा नहीं उठा सकता है, इसीलिए आप एटीएम में दोबारा आपका एटीएम स्वाइप करके जो मोबाइल में डिलीवरी किया गया जो कोड है जो पिन है वही पिन फिर कैसा चेंज करने का है वही बताने वाला हूँ। वही पिन चेंज करने के बाद आप ट्रांजेक्शन कर सकता है, उठा भी सकता है, ट्रांसफ़र भी कर सकता है। बाद में आप जो नंबर मिलेगा, नंबर मिलने के बाद आप एटीएम को स्वाइप करने के बाद आपका सामने जो ऑप्शन आएगा इसमें से बैंकिंग जो साइड राइट साइड में ऊपर में है बैंकिंग में क्लिक कीजिएगा। बैंकिंग में क्लिक करने के बाद आपका सामने सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा इंग्लिश हिंदी, आप इंग्लिश में क्लिक कीजिएगा। आप इंग्लिश में जब क्लिक करेगा, इंग्लिश में क्लिक करने के बाद आपके सामने दूसरा इंटरफेस ओपन होएगा जिस इंटरफेस में लिखा रहेगा एंटर एनी नंबर बिटवीन 10 to 99 फॉर ईजी। आप 25 लास्ट में दिया गया आप 25 दबा एंटर कीजिएगा। 25 या 11 आप कोई भी एक नंबर 10 से 99 के अंदर आप दबा दीजिएगा। दबाने के बाद आपका सामने दूसरा इंटरफेस आएगा एंड जो मैं अभी बताने वाला हूँ। दूसरा इंटरफेस आने से पहले आपका सामने जो 25 या कोई एक नंबर आप डाल सकते हैं एज लाइक 43 भी आप डाल सकते हैं। आप 43 डाल के आप ये राइट साइड में जो येस वाला बटन है आप येस वाला बटन में जब आप क्लिक करेगा तब आपका सामने दूसरा एक इंटरफेस ओपन होएगा। जो इंटरफेस के सामने क्या इंफॉर्मेशन आएगा मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। दूसरा जो ऑप्शन आएगा प्लीज़ एंटर योर पिन, आपका जो पिन है मैं एंटर योर पिन इज़ कॉन्फिडेंटल, नो बॉडी शुड सी दिस पिन एरिया एंटर इट, मेक योर पिन मोर सक्सेस बाई द चेंज इट फ्रीक्वेंटली। आपके पास जो पिन गया वही पिन आप डाल दीजिएगा और कैसे करने का मैं अभी आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। आप फिर दोबारा आपका एटीएम को स्वाइप कीजिएगा। जब आपका एटीएम कार्ड को स्वाइप करेगा एटीएम में तब आपका सामने आएगा प्लीज़ एंटर योर पिन, प्लीज़ एंटर योर पिन जो ऑप्शन है वही में आप क्लिक कीजिएगा। प्लीज़ एंटर योर पिन में जब क्लिक करेगा तो दूसरा इंटरफेस आपके सामने ओपन आएगा और कौन सा ओपन होएगा मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आपका जो पिन आपका मोबाइल में दिया हुआ है वही पिन आप दबाने का है, वन टाइम जो पिन दिया गया है वही दबाने के बाद आपके सामने दूसरा ऑप्शन आया है पिन चेंज। आपका पिन चेंज नहीं करेगा तो आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है, इसीलिए पिन चेंज करना ही पड़ेगा एकदम मस्ट भी। इसीलिए आप अपना पहला पिन कोड ट्रांसफ़र हुआ मोबाइल में जो पिन कोड गया है वो एंटर करने के बाद आपका सामने पिन चेंज का ऑप्शन आएगा, पिन चेंज में आप क्लिक कीजिएगा। पिन चेंज में जब आप क्लिक करेगा तो आपका सामने आएगा प्लीज़ री इंटर योर पिन,
जो पहला जो आप पिन डाला है वही पिन डालने के बाद फिर दोबारा कंफर्म करने के लिए प्लीज़ री एंटर दिखा रहा है आपका पिन, दोबारा आप एंटर कीजिएगा। एंटर करने के बाद आप फिर एटीएम को स्वाइप कीजिएगा मशीन में। आप एटीएम को स्वाइप करने के बाद आपका सामने दूसरा इंटरफेस ओपन होएगा जिसमें री एंटर योर पिन कंफर्म होने के बाद दूसरा इंटरफेस में अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। एक मिनट वेट। जो आपका री एंटर योर पिन, जो आपका 4 डिजिट नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, जो आप पिन लगाएगा लाजिम याद रखना पड़ेगा, भूल गया तो मुश्किल होएगा। इसीलिए आपका जो लास्ट में जो आप पिन एंटर करके री एंटर करेगा, री एंटर करके जब ओके एंटर क्लिक करेगा तब आपका प्लीज़ वेट दिखाएगा 2 मिनट के लिए। आप वेट कीजिएगा 10-15 सेकंड या 1 मिनट के लिए। वेट करने के बाद आपका सामने एक ऑप्शन आएगा, योर पिन हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली। आपका पिन सक्सेस हो गया, चेंज हो गया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ गया होगा। आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, आपका बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा, उनको सीखने का मौका दीजिए।